हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, और फिर लास्ट में फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी। ये सब डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊँगा, और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूँगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनताराम, जगपति बाबू है, सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंड ट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो थुक्कु दुरई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजनाम के रूप में नयनतारा थुक्कु दुरई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कु दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कु दुरई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में, मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है।
वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडन व्यूड्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सही ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब OTT प्लेटफॉर्म के, तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊंगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूंगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंडट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजनम के रूप में नयनतारा थुक्कू दुरई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था।
यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम व्यूट्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सहित ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब OTT प्लेटफॉर्म के तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊँगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूँगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है, सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंडट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो तुक्यू दुरोई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजना के रूप में नयनतारा थुक्कू दुरोई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिकाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कू दुरोई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर
महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्यज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम वुड्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सही ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म के तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊँगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूँगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है। सत्यज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों,
साउंडट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यु दुरोई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजनम के रूप में नयनतारा थुक्कु दुरोई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कु दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कु दुरोई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्यज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में, मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम व्यूड्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सही ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब OTT प्लेटफॉर्म के, तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल।
तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊँगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूँगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है, सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंड ट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरोई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजना के रूप में नयनतारा थुक्यू दुरोई की पत्नी, वही श्वेता थुक्यू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखा सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्यू दुरोई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में, मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम व्यूट्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही
सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक भी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सही ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब OTT प्लेटफॉर्म के तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है ये भी बताऊँगा, और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी ये भी शेयर करूँगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है, सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंडट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजना के रूप में नयनतारा थुक्कू दुरई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़,
के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम व्यूट्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सहित ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब OTT प्लेटफॉर्म के तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊँगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूँगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है, सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंड ट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरोई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजना के रूप में नयनतारा थुक्कू दुरोई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिकाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुकू दुरई के प्रतिद्वंदी वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजित कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और
शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम व्यूट्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सहित ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब OTT प्लेटफॉर्म के तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊँगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूँगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंडट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरोई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजनाम के रूप में नयनतारा थुक्यू दुरोई की
पत्नी वही श्वेता थुक्कुदुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखा सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कुदुराई के प्रतिद्वंदी वही विवेक केशवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजित कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्यज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजित कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजित कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम गुड्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सही ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब OTT प्लेटफॉर्म के तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊँगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूँगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है।
फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंडट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजनाम के रूप में नयनतारा थुक्कू दुरई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में, मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम व्यूट्स ने 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सहित ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को
रजनीकांत स्टारर पेट्टम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब OTT प्लेटफॉर्म के, तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊंगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूंगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनताराम, जगपति बाबू है, सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंड ट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो थुक्यू दुरोई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजनाम के रूप में नयनतारा थुक्कू दुरई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिकाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में, मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित
हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम वुड्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सही ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब OTT प्लेटफॉर्म के, तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊंगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूंगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंडट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजनम के रूप में नयनतारा थुक्कू दुरई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया। और
और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम व्यूड्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सही ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब OTT प्लेटफॉर्म के तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊँगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूँगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है, सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंडट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरोई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजना के रूप में नयनतारा थुक्कू दुरोई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिकाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजित कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर
हैंडल के माध्यम से सत्यज्योति फिल्म्स, निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में, मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम गुड्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सही ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब OTT प्लेटफॉर्म के, तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ, उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊँगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूँगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है। सत्यज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंड ट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली।
लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्कु दुरई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजनम के रूप में नयनतारा थुक्कु दुरई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कु दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कु दुरई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्यज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में, मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम वुड्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सहित ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब OTT प्लेटफॉर्म के, तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं
जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है ये भी बताऊंगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी ये भी शेयर करूंगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है, सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंड ट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरोई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजना के रूप में नयनतारा थुक्कू दुरई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम व्यूड्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने
3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सही ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब OTT प्लेटफॉर्म के तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है ये भी बताऊंगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी ये भी शेयर करूंगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है, सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंडट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरोई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजना के रूप में नयनतारा थुक्कू दुरई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो
टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम व्यूट्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सहित ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब OTT प्लेटफॉर्म के तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊँगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूँगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है, सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंड ट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरोई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजनाम के रूप में नयनतारा थुक्कू दुरोई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिकाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कू दुरोई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजित कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजित कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजित कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं
फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवर्स जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम वुड्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सही ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म के तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊँगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूँगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंडट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजना के रूप में नयनतारा थुक्यू दुरई की पत्नी, वही श्वेता थुक्यू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखाम सुरेंद्रन है।
गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुकु दुरई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केशवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजित कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्यज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजित कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजित कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडन वुड्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सही ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब OTT प्लेटफॉर्म के तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊँगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूँगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजित कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है। सत्यज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक घोषणा
20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंडट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजना के रूप में नयनतारा थुक्कू दुरई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्यज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में, मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम व्यूट्स ने 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सहित ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के
होम मीडिया के बारे में, मतलब OTT प्लेटफॉर्म के। तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊंगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूंगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनताराम, जगपति बाबू है, सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंड ट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरोई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजनाम के रूप में नयनतारा थुक्कु दुरई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कु दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कु दुरई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में, मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम
विड्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्व सम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सही ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म के, तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊंगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूंगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंड ट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरोई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजना के रूप में नयनतारा थुक्कू दुरई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में
1.5 करोड़ और शेष भारत में मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवर्स जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडन व्यूट्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सहित ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब OTT प्लेटफॉर्म के तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊँगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूँगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है, सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंडट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरोई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजना के रूप में नयनतारा थुक्कू दुरोई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिकाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजित कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजित कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी।
नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में, मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम व्यूट्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सही ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब OTT प्लेटफॉर्म के, तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ, उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊँगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूँगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंड ट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने
67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यु दुरोई के रूप में अजित कुमार है, निरंजनम के रूप में नयनतारा थुक्कु दुरोई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कु दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कु दुरोई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजित कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्यज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजित कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजित कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम वुड्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सहित ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब OTT प्लेटफॉर्म के तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊँगा।
और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूँगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है, सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंड ट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजनम के रूप में नयनतारा थुक्कू दुरई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में, मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडन व्यूट्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी का
निकोन बताने के नए तरीके खोजने के बारे में हैं। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सही ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म के तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है ये भी बताऊँगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी ये भी शेयर करूंगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू है, सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंड ट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्कू दुरई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजना के रूप में नयनतारा थुक्कू दुरई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिकाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में
नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम गुड्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सही ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब OTT प्लेटफॉर्म के तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है विश्वासम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊँगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूँगा। विश्वासम एक 2019 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनताराम, जगपति बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन, एक्शन, दृश्यों, साउंड ट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक अंश की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और अनुमानित कथानक के लिए आलोचना हुई। डीन इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो थुक्यू दुरोई के रूप में अजीत कुमार है, निरंजनाम के रूप में नयनतारा थुक्कू दुरोई की पत्नी, वही श्वेता थुक्कू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिकाम सुरेंद्रन है। गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू थुक्कू दुरोई के प्रतिद्वंदी, वही विवेक केसवन के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिव और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। नयनतारा को फरवरी 2018 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को
शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और शेष भारत में मतलब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक का सकल संग्रहण किया। ओवरस जिन में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया कि फिल्म अपने कथन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के साथ सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद साजिश भी अनुमानित हो जाती है, लेकिन स्पष्ट दोनों दोषों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजन बनाती है। विहम इंडम वुड्स ने 3 out of 5 रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि विश्वसम परिवार के दर्शकों और थालाम प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए यही सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक दी किया गया है। फिल्म साथी ने 3 out of 5 रेटिंग दी। बहुत सारी मुख्य धारा की फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वसम के साथ शिव अधिक करते हैं, वह अपने स्टार के विश्वास को सहित ठहराते हैं। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत स्टारर पेट्टाम के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म के तो यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।